हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके शरीर में, आपके पूरे बॉडी में हैप्पीनेस भर देता है। मतलब इसको एक प्रकार से हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, जो आपके शरीर में खुशी रखने के लिए, आपके मूड को स्टेबलाइज रखने के लिए और आपको हैप्पी दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आज इसी के बारे में देखेंगे कि इसका क्या क्या रोल है, ये कहाँ कहाँ हमारे शरीर में और हमारे पूरे बॉडी में कैसा हेल्प करता है और हमको कैसा फिट एंड फाइन रखता है और हमको हैप्पी रखता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। सीरोटोनिन का लेवल, अगर हमारे सीरोटोनिन का लेवल हमारे शरीर में सही मात्रा में रहा तो हमारे शरीर को बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेगी, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, अगर हमारा सीरोटोनिन का लेवल सही रहा, सीरोटोनिन रसायन हमारे शरीर में सही मात्रा में उपज रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारे जो मूड होती है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मूड मतलब जब हम हैप्पी होना, हमको सैड होना, ये सब डिपेंड करता है हमारे मूड पे। तो ये हमारे मूड को सही रखने में हेल्प करता है, हमको हमेशा हैप्पी और वेलबींग और खुश रखने में हेल्प करता है। हमेशा हम खुश दिखेंगे, खुशी रहेंगे, लोगों की बातें हमें अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। तो ये हमारा मूड को रेगुलेट करता है, हमारे मूड को चलाता है, हमको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। दूसरा है, ये हमारे स्लीप को भी मेंटेन करता है। स्लीप मतलब जो हम सोते हैं उसको भी मेंटेन करता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे जो दिमाग से एक रसायन निकलता है उसे बोलते हैं मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ही हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है, सोने की जो साइकिल होती है, NRM नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, ये दो प्रकार की स्लीप साइकिल होती है जिससे हम सोते हैं, सपने में देखते हैं, नींद में हम सपने देखते हैं या नींद पूरी अपनी कंप्लीट करते हैं। तो ये साइकिल को मेंटेन करने के लिए हमारा सीरोटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। सीरोटोनिन के लेवल ही रेगुलेट होते हैं तभी हम सही तरीके से सो पाते हैं, नींद ले पाते हैं और हमारा स्लीप वेक साइकिल मेंटेन होता है। दूसरा है एपेटाइट कंट्रोल। सीरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी भूख को भी नियंत्रित करता है। जब हमें भूख लगती है या हमें भूख लगानी होती है तो सीरोटोनिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इस रसायन से ही हमारे शरीर में भूख उत्पन्न होती है, हमको खाना खाने की इच्छा होती है और हम अच्छे से खाना खा पाते हैं और अपने एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब हमारी दिमाग की काम करने की क्षमता, दिमाग की सोचने की, समझने की, जज करने की, थिंक करने की। हम किसी को जस्टिफाई करते हैं जिसके बारे में सोचते हैं या फिर हम उसको मतलब क्लैरिफाई करते हैं, मतलब जज करना होता है, सोचना होता है, दिमाग लगाना होता है, काम की जो बातें होती हैं उन सब के लिए कौन फंक्शन करता है? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन कितना महत्वपूर्ण हार्मोन है जो हमारे पूरे दिमागी तौर तरीका, दिमाग से काम करने का जो पूरा मेंटेनेंस है उसको रेगुलेट करने का काम सीरोटोनिन करता है। उसके बाद है डाइजेस्टिव फंक्शन, मतलब हमारे खाने को पचाने से लेकर के खाने को बाहर निकालने तक का भी हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है सीरोटोनिन। क्योंकि हमारे जो सीरोटोनिन है थोड़ी मात्रा में हमारे गट में प्रेजेंट होता है। गट मतलब हमारा जो पेट होता है उसमें थोड़ी मात्रा में सीरोटोनिन का हार्मोन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पेट की बैक्टीरिया को बढ़ाने में, पेट की जो गुड बैक्टीरिया है जो हमारे खाना को पचाते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं, उन गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने में हेल्प करता है और हमारे खाने की पाचन शक्ति को इंक्रीज करता है। उसके बाद है सीरोटोनिन का एक और मेन काम है पेन परसेप्शन। पेन परसेप्शन मतलब अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसको हमको सेंस होता है, हम फील करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। ये सारा काम सीरोटोनिन का होता है। सीरोटोनिन की वजह से ही हमको ये समझ में आता है कि हमें चोट लगी है, हम जल गए हैं, हम कट गए हैं या फिर हमें दर्द हो रहा है, क्योंकि ये पेन परसेप्शन कराने का हार्मोन है जो हमारे पेन रिसेप्टर में हेल्प करता है। जो हमारे पेन, अगर हमको कहीं पे लग गई है या कट गई तो हमारा डायरेक्ट सिग्नल हमारे ब्रेन में जाने का या ले जाने का काम सीरोटोनिन का होता है। फिर ब्रेन हमको वापस रिसिग्नल देता है कि हाँ हमें दर्द हो रहा है या हमें चोट लग गई है, तब हमें सेंस होता है। तो ये सेंसरी और मोटर फंक्शन की वजह से होता है। तो सीरोटोनिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है पेन को परसीव कराने में या सेंस कराने में। उसके बाद है सोशल बिहेवियर के लिए सीरोटोनिन हार्मोन है वो सोसाइटी में हम लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, उनके सामने कैसे इंटरेक्ट होते हैं और अपने आप को कैसा हम उनको प्रेजेंट करते हैं, ये सारा चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल सीरोटोनिन हार्मोन होता है। क्योंकि
हम सोसाइटी में सोशल लोगों के साथ आपस में मिलते जुलते हैं, उनके साथ बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, वहाँ पे हम हैप्पी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनके कार्य शक्ति में या उनके कार्य करने में हम भी सहमति होते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी बातों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेरोटोनिन का है। सेरोटोनिन के अच्छे से रिलीज होने की वजह से सोसाइटी के लोगों के सामने हम अच्छे से बिहेव कर पाते हैं, सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट है, इसका मेन फंक्शन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी है, हमारे दिल से रिलेटेड जितनी भी संबंधित बीमारियां हैं उसको दूर रखने में भी सेरोटोनिन का मेन फंक्शन होता है, क्योंकि जो दिल है, दिल में जो नसें होती हैं उनमें ब्लड का प्रवाह कराना, खून को संचार कराने का मेन काम सेरोटोनिन का भी होता है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है तो वो हमारे कहीं ना कहीं हार्ट को भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हमारे दिल को स्वस्थ रखने में और दिल में खून का प्रवाह कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर मतलब सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमको खुश रखता है, हैप्पी रखता है और हमारा मूड को हेल्दी रखता है, लेकिन अगर हमारे शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा कम हो गई या फिर उसकी कहीं कमी हो गई तो हमारे जो मूड डिसऑर्डर होने चालू हो जाएंगे। मूड से संबंधित बीमारियां जैसे कि एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, मेनिया हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, ये सारे जो डिसऑर्डर या बीमारी होती है वो मूड की वजह से होती है। मूड सही रहा तो हम सही रहेंगे, मूड खराब रहा हमारे हार्मोन्स इंबैलेंस होंगे तो सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स की वजह से हमारे मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस रिस्पांस। अगर आपके शरीर में या आपको अचानक कोई फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन आ जाती है, जैसे कि आपको अचानक कोई स्ट्रेस आ जाता है या कोई पैनिक अटैक आ जाता है, इन सारे केसेस में सेरोटोनिन हार्मोन्स रिस्पांसिबल होता है ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर आपके सेरोटोनिन लेवल अच्छे से है, कंटिन्यू है, तो आपको स्ट्रेस में आप रिस्पॉन्स कर पाओगे। अगर अचानक आपके सामने कोई आपत्ति आ जाती है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो, आप अचानक ब्लैकआउट हो जाते हो, सोचने लग जाते हो कि मैं अब क्या करूं, तो सेरोटोनिन लेवल सही से रहने की वजह से हम स्ट्रेस में रिस्पॉन्स कर पाते हैं, सही समझ ले पाते हैं, उस समय हम सोच समझ पाते हैं कि हमको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज सेरोटोनिन हार्मोन्स की वजह से होता है। उसके बाद है न्यूरो डेवलपमेंट। जब बच्चा शिशु जो होता है वो माता के गर्भ में होता है तो उस समय उसका न्यूरो डेवलपमेंट होना जरूरी होता है, उसका ब्रेन दिमागी डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो दिमागी डेवलपमेंट के लिए भी सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसका दिमाग को डेवलप कराना, उसके जितने भी न्यूरॉन्स हो उसको अच्छे तरीके से फंक्शन कराने का काम, उसके कार्य करने का काम दिमाग का सारा सेरोटोनिन लेवल करवाता है। उसके बाद है हार्मोन्स रेगुलेशन। हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उसको भी रेगुलेट करवाने का काम सेरोटोनिन का होता है, क्योंकि जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब हमारा मासिक धर्म होता है उस समय भी सेरोटोनिन के वजह से हमारे हार्मोन सही तरीके से सही जगह काम कर पाते हैं। उसके बाद है इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन। हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे कि हमारे शरीर में कभी इन्फेक्शन घुस जाता है तो हमारा शरीर उसके प्रति रिएक्ट करता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी एक्टिवेट कराता है और हमको अच्छे से फिट एंड फाइन रखने में भी सेरोटोनिन लेवल का मेन हाथ होता है, क्योंकि जब भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है तो हम इन्फेक्शन जल्दी गेट इन कर लेते हैं या इन्फेक्शन हमारे अंदर घुस जाती है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को मॉड्यूलेट करने का और रेगुलेट करने का भी काम हमारा सेरोटोनिन लेवल का होता है। उसके बाद थर्मोरेगुलेशन हमारे शरीर में हीट कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे शरीर को कितना गर्म रखना है, कितना ठंडा रखना है, ये सेरोटोनिन लेवल हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है एडिक्शन एंड सब्सटेंस यूज। जो लोग एडिक्टेड होते हैं, एडिक्टेड मतलब जो लोग ड्रग ज़्यादा पीते हैं या खाते हैं, जैसे कि कई लोग अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कई लोग जो नॉन कंज्यूमेबल थिंग्स हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी सेरोटोनिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल सही मात्रा से रिलीज हुआ या फिर बॉडी में सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज हुआ तब हम एडिक्शन से छूट सकते हैं। जिनका आदी हो जाता है, शराब का लत हो जाता है या जैसे कि कोई नॉन कंज्यूमेबल थिंग्स हैं उसको अगर लोग खाना चालू कर देते तो उस केस में सेरोटोनिन लेवल का सबसे ज़्यादा रोल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।